दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके NFO कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। तो ये NFO ओपन हुआ है 7 सितंबर 2022 को और क्लोज होने वाला है 21 सितंबर 2022 को। तो इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ये शुरू करते हैं कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। दोस्तों जिस तरह से मौसम की साइकिल होती है, जैसे कि ठंडी गर्मी बारिश, उसके बाद फिर से ठंडी गर्मी बारिश, और ये साइकिल चलती रहती है, उस तरह से बिजनेस में भी साइकिल होती है। उसमें भी अलग अलग फेज होते हैं, जैसे कि एक्सपांशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी वगैरह वगैरह। जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो धीरे धीरे वो एक्सपांशन फेज में होता है, फिर उसका पिक आता है, फिर उसके अंदर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, उसके बाद में रिकवरी शुरू होती है, फिर से एक्सपांशन होता है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो पिछले 2 साल इकोनॉमी के लिए कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था और उसके बाद में रशिया और यूक्रेन वॉर से थोड़ी सी परिस्थिति और खराब हुई थी। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी रिकवर हुई है, उसी तरह से बिजनेस साइकिल भी रिकवर फेज में चल रही है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उनके साथ साथ हमें भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए और इसीलिए ये बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर एक टेबल के जरिए कंपैरिजन दिखाई है कि कोरोना पैंडेमिक होने के बाद भी हमारे इकोनॉमी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस टेबल में पहली कॉलम में है प्रोग्रेसिव इंडिकेटर, 2014 में हम कौन से रैंक पर थे वो दिखाया है, और 2021 का यहाँ पे उसका रैंक दिखाया है। तो जैसे कि इकोनॉमी साइज GDP, 2014 में हम दुनिया में 10वें नंबर की GDP थे, 2021 में हम 6ठे नंबर पर पहुँचे हैं, और हाल की परिस्थिति में हम 5वें नंबर पर है। उसी तरह से शेयर इन ग्लोबल GDP 2014 में 2.6% था, जबकि 2021 में 3.2% था। उसी तरह से अलग अलग और पैरामीटर्स है, जैसे कि ऑटो प्रोडक्शन 7वें नंबर पर थे तो वहाँ से हम 4थे नंबर पर आ चुके हैं, स्टील प्रोडक्शन 4 नंबर से 2 नंबर पर। उसी तरह से लास्ट में है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि हम 2014 में 142वें नंबर पर थे और 2021 में हम 63 यानी कि 63वें नंबर पर थे। तो दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं हमारी इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट, और जबकि आंकड़े 2021 के हैं, 2022 में इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि 2021 में हमारी इकोनॉमी 6ठे नंबर पर थी और आज यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके हम 5वें नंबर की इकोनॉमी पर है। तो इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा देश तरक्की की राह पर चल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे NFO की जानकारी में। तो इस NFO का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर से इस NFO का पोर्टफोलियो जनरेट किया जाएगा। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिजनेस साइकिल थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स और इक्विटीज में। इसी के अंदर से कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के इस NFO का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इस NFO के फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज तिबरवाल, जो संभालेंगे इक्विटी पोर्टफोलियो, और दूसरे हैं मिस्टर अभिषेक बिसेन, जो संभालेंगे डेट का पोर्टफोलियो। इस NFO में आप मिनिमम 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और एडिशनल एप्लीकेशन आप 1,000 रुपये और 1 रुपये के साथ शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप 500 रुपये के साथ SIP भी शुरू कर सकते हैं। इस NFO में आप 500 रुपये जितनी छोटी अमाउंट के साथ भी SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान्स अवेलेबल हैं, और ऑप्शन में ग्रोथ ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन, और उसके अंदर भी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पेआउट, मतलब कि सारे ऑप्शंस एंड सारे प्लान इस NFO स्कीम में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है। एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट के बाद 1 साल से पहले अगर आपने 10% यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच करता है तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 1 साल से पहले अगर आपने 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है।
और एक साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो शुरुआत में रहेगा 2.25% रेगुलर प्लान के लिए। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई क्योंकि यहाँ पर लार्ज मिड स्मॉल सभी प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा सा सूटेबल रिटर्न चाहिए तो लंबे समय तक आपको इस NFO के अंदर, इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट करके जब चाहे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो अब बात है कि हमें कोटक बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उसकी पहली वजह है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि यहाँ पर अच्छे सेक्टर्स और अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा है नो कैप ऑन मार्केट कैप, मतलब कि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए कोई भी कैप नहीं है, किसी भी मार्केट कैप के अंदर कितने भी परसेंट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, यहाँ पर सारे प्रकार के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, मतलब कि आपको सारे सेक्टर्स का पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। और चौथा है साउंडिंग बोर्ड, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमिटी काम करेंगी साउंडिंग बोर्ड की तरह से। तो ये रीज़न है कि क्यों कोटक बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको कोटक बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली इसके AMC के जरिए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें ताकि आपको जानकारी मिले कि ये NFO आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। ये थी सारी जानकारी कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।